अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल में दिशानंद। फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं दिशानंद फ्रिक्स। आज की वीडियो में आपको बताने लगा हूँ कैसे आप लोग अपना फेसबुक लाइट से जो आप लोग का अकाउंट आपके पास लॉक हो जाता है तो कैसे आप लोग उससे अनलॉक कर सकते हो। सो आप लोग अभी देख सकते हो मेरी स्क्रीन पर, मेरे पास ये उस्मान ने मुझसे एक अकाउंट है और वो 4 मार्च 2022 को लॉक हो चुका है। सो मैं उसको आज अनलॉक करता हूँ। जैसे जैसे मैं इसको गेट स्टार्टअप करता हूँ तो हमारे पास इधर कन्फर्म योर आइडेंटिटी का ऑप्शन देखने को आ जाता है। सो गाइज आज हम लोगों ने इस कन्फर्म योर आइडेंटिटी पे हमारे पास कुछ भी नहीं है। सो गाइज हम लोगों ने इसको अनलॉक कैसे करना है, सबसे पहले आपने इसका एक एसएस ले लेना है। एसएस लेने के बाद आपको आज एक वीपीएन की ज़रूरत पड़ेगी। इसका नाम होगा टर्बो वीपीएन, आपके पास होता है। आप लोगों ने भी इसको डाउनलोड कर देना है। ये गूगल प्ले स्टोर से जाके आप लोग इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। इसके गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप लोगों ने सर्च बार में लिखना है टर्बो वीपीएन, TURBO टर्बो VPN। टर्बो VPN लिखने के बाद आपके पास जो सा ये फर्स्ट वाला होगा, ये होगा हमारे पास टर्बो VPN। हमने इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप लोग टर्बो VPN पर आएंगे तो गाइज आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस ये होगा। आप लोगों ने इसको इधर से कनेक्ट कर देना, एड्स को रिमूव कर देना है और इधर से इसको कनेक्ट कर देना है। जहाँ आप प्रॉक्सी आपने यूनाइटेड स्टेट की प्रॉक्सी कनेक्ट करनी है, ये यहाँ से कनेक्ट होगी, मेरे पास ऑलरेडी है। तो यहाँ पे आप लोग जाएंगे तो यूनाइटेड स्टेट पर इधर से क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो ये थर्ड नंबर पे प्रॉक्सी होगी वैसनिक गोटियोन। इसका मैं आपको वीडियो में लिख कर भी बता दूंगा इसका क्या नेम है। इसको जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कुछ ऐसे कनेक्ट हो जाएगी, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तब तक हम लोग वेट करते हैं जब तक ये कनेक्ट होता है। चंगा जी हमारे पास वीडियो आप लोगों ने स्किप नहीं करनी है। हमारे पास अकाउंट इसलिए लॉक होता है, जैसे मैंने अभी याहू से ये मेरा उस्मान मोहम्मद उस्मान वाला ये कौन सा अकाउंट है जो उनसे मैंने उस दिन आपके सामने याहू पर जो थी मैंने क्लोनिंग की थी, उसके बाद जो मेरे पास अकाउंट निकला था वो सीपी पे चला गया था, अकाउंट लॉक हो गया था। सो गाइज ये था वो अकाउंट। तो आज हम लोग इसको अनलॉक कर लेंगे। तो अनलॉक करने के बाद ये वाला अकाउंट हमारे पास वर्क करने पड़ जाएगा। सो हम लोग चलते हैं सबसे पहले VPN। जैसे ही हमारे पास कनेक्ट होगा ये देख सकते हैं हमारे पास प्रॉपर VPN कनेक्ट हो चुका है। सो अब हम लोग चलते हैं अपने गूगल प्ले स्टोर पर। जी हाँ गाइज आपने गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है फेसबुक। फेसबुक मेरे पास है, आप लोगों ने जैसे फेसबुक सर्च करने लें। जैसे ही आप लोग फेसबुक के ऑफिशियल इस पे पेज पर आ जाओगे तो आप लोगों ने इसको इस तरह करके थोड़ा नीचे आ जाना है। सॉरी गाइज, इस नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डेवलपर वेलपर कॉन्टैक्ट। इस वाले ऑप्शन पर आप लोगों ने क्लिक करके नीचे आप लोगों को सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ईमेल का। आप लोगों ने इधर से ईमेल वाले ऑप्शन पे चले जाना है। सो गाइज जैसे आप लोग ईमेल वाले ऑप्शन पे जाओगे तो आप लोगों ने इधर जो सी ईमेल होगी वो डाल देनी है। अभी मैं इसमें कोई भी ईमेल डालता हूँ, जैसे कि अभी मेरे पास से देखूँ मैं जैसे अपना अकाउंट लॉगिन कर दूँ सबसे पहले। सो गाइस इधर मेरी जो सी ईमेल थी वो मेरी पेस्ट होके आ गई है। सो इधर से मैं अभी जो इधर से मैं इस पर पेस्ट करता हूँ निशान कुरैशी, मतलब कि हमने फेसबुक वाली जो सी उस पर हम फेसबुक को हमने देनी है जो ये जो सा हमारा अकाउंट है ना लॉक, ये हमने फेसबुक की तरफ हमने इसको सेंड करना है। सो गाइस फेसबुक android@thedate.com यही फेसबुक की जो सी मेल है ये इस जगह पे लिखी हुई है facebook@android@fb.com फेसबुक। सो गाइस FACEBOO फेसबुक FB। सो गाइस मेरा थोड़ा मोबाइल भी स्लो है FB.com। ये लिखने के बाद हमने इधर सब्जेक्ट जहाँ पे लिखा हुआ सब्जेक्ट वाले ऑप्शन भी हम लोगों ने आ जाना है। इधर सब्जेक्ट भी हम लोगों ने डालना है LOCK डिलाफ्ट माई MYFACEBOO फेसबुक AOCOUNT अकाउंट। इतना डालने के बाद हमने नीचे आ जाना कंपोज पर, इसको इधर से ऐड कर देना है और नीचे हमने कंपोज पर एक अपील देनी है। अपील हम लोगों ने क्या देनी है तो मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस इधर आने के बाद हम लोगों ने मेरे पास क्लिपबोर्ड में शायद सेव हो, लेकिन जो जो इधर मैं लिखूँगा आप लोगों ने भी इसमें वही लिखनी, नहीं मेरे पास नहीं सेव। सो मैं इधर से अपने नोट पैड से इसको उठा लेता हूँ। तब तक जाने के बाद मैं अपने जाता हूँ नोट पैड में,
मेरे पास ये नोट पैड में सेव की हुई, मैं आप लोगों को इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोगों ने इसे कॉपी करके और लगा देनी है। ये वाली एजेंसी है सारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जो जो इधर मैंने लिखा हुआ है फेसबुक को अपील किया, जो जो मैंने इस पर लिखा हुआ है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जैसे जाके आप लोगों ने कॉपी कर 101% हमारा अकाउंट अनलॉक हो जाएगा। और नीचे हम लोगों ने क्या लिखना है, अपना यूज़र नेम, यूज़र नेम हम लोगों ने अपना लिखना है। यूज़र नेम हमारा है उस्मान हमारा यूज़र नेम है, लेकिन मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ कन्फर्मेशन के लिए, USMN उस्मान लिखना है हमने, इसको स्पेस दे के USMN उस्मान लिखना है। इधर से फिर थोड़ा सा नीचे आ जाना है और इस जगह पे हम लोगों ने लिखना है LOCOKD लॉक DAT लॉक डेट। ये मैं स्लो स्लो इसलिए भी करूँगा कि अक्सर आप लोगों को समझ नहीं आती, तो ये मेरी जो थी अभी मेरा अकाउंट न्यू है YouTube पे, तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए और मुझे भी ज़्यादा तेज़ बोलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मार्च 4, 2022 अभी हमारा अकाउंट जो था ये लॉक कब हुआ था, मार्च 4, 2022। सेम जो आपने जो उधर लिखा हुआ है आपके एफबी के पास है एफबी पर RCH March 4, 2022 है, सेम आपने इसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी। तो इधर से कॉमा दे के 2022 इतना लिखने के बाद हम लोगों ने इसको इसके साथ हम लोगों ने एक इस नीचे आने के बाद थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, और इधर से हम लोग साथ में एक स्क्रीनशॉट भी लगा देंगे। अब मैंने आपको वीडियो में एक हम लोगों ने स्क्रीनशॉट भी लगा देना है। सो गाइस इसमें थोड़े वीडियो को सो गाइस आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसमें जो सा हमारा जो सा स्क्रीन शॉट था वो मैंने इसमें ये नीचे लगा दिया है, ये इस जगह पे मैंने अपना ये भी लगा दिया। और सिंपल हमने अगर इसमें और कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी, सिंपल जो सा ऊपर लिखा हुआ ये सेंड वाले हम लोग ने सेंड कर देना, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना है, जो जो इधर मैंने लिखा हुआ है ना, जो जो चीज़ें जो मैंने इधर लिखी हुई हैं सेम आपने वही लिखनी है, ठीक है ना। और ये मैं आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोगों ने इधर से इसको सेंड कर देना है। सो गाइस अभी ये हमारे पास सेंड हो जाएगा। सो गाइस ये सेंड इसलिए नहीं हो रहा, VPN को हम लोगों को डिसकनेक्ट करना होगा। वेट में अपना जो सा VPN है उसको मैं डिसकनेक्ट कर देता हूँ, और अपना जो मेरा जो सा नेट है वो मैं दोबारा से आता हूँ, नेट दोबारा से मैं ऑन करता हूँ क्योंकि मेरे पास नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसलिए। सो गाइस इतना करने के बाद देखें मैं दोबारा ऑन वीडियो आया हूँ, लेकिन मैंने इधर से अपना जो सा VPN था वो डिसकनेक्ट कर दिया है। VPN डिसकनेक्ट करने के बाद और सिंपल आपने दस जन सा ये एक इसमें एक चीज़ आपने ऐड करनी है, वो ये है कि आपने आपके पास जो भी आपका मोबाइल फ़ोन होगा ना, जैसे अभी मेरे पास है, इधर आपने लिखना है सेंड टू फ्राम फार फ्राम VEVO स्मार्ट SMART स्मार्ट फ़ोन, ये आपने लाजमी लिख लेना है। और इधर से इसके बाद आप लोगों ने इसको सेंड कर देना है, ये ऊपर सेंड वाला ऑप्शन है, इधर से मैं इसको सेंड कर देता हूँ। और नीचे जो सा कंटिन्यू वाला ऑप्शन है इसको हम लोगों ने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। मेरे पास ये आई थिंक आपके पास शायद ना, मेरे पास तो ये आया है एंड थोड़ा नेट वीक था मैंने इसलिए नेट चेंज किया इसलिए ये हमारे पास आ गया। सो गाइज हमारे पास जो ये थी हमारी ये सेंड होके जा चुकी है उनके उन लोगों के पास। सो गाइज इतना करने के बाद हम लोगों ने सिर्फ इसमें क्या काम करना है कि अब हमारे पास ये इतनी जल्दी जो हमारे जिनसे अकाउंट होगा वो अनलॉक्ड नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि हम फेसबुक वाले बहुत कम हमारे पास जिनसे एक्शन है वो बहुत देर बाद लेते हैं, तकरीबन आपके पास 12-15 घंटे या इससे ज़्यादा भी 2-3 दिन भी लग सकते हैं। सो गाइस वीडियो पसंद आई तो भाई के चैनल ज़्यादा ट्रिक्स को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना और बेल वाले आइकन पर लाजमी प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक बआसानी पहुँच जाएँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।